हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन बॉली मीडिया में, जहां आपको मिलती है अपकमिंग मूवी, सॉन्ग, टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले। दोस्तों, अभिनेत्री साई मांजरेकर अपनी अगली फिल्म में अभिनय करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेजर फिल्म 26/11 हमले में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नी कृष्णर पर आधारित होगी। फिल्म का शीर्षक मेजर है। फिल्म अगले साल गर्मियों में रिलीज होगी। इस फिल्म को सुपरस्टार महेश बाबू सोनी पिक्चर्स इंडिया के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेजर शशि किरण टिक्का द्वारा निर्देशित हिंदी और तेलुगु द्विभाषी फिल्म होगी। फिल्म की 50% शूटिंग पूरी हो चुकी है। साई मांजरेकर अगले महीने से हैदराबाद में शूटिंग शुरू करेगी। ये जानकारी फिल्म एंड ट्रेंड एनालिस्ट तरल आदर्श ने खुद दी है। तरल आदर्श ने ट्वीट पर साई मांजरेकर की तस्वीर शेयर कर लिखा, अपडेट, साई मांजरेकर मेजर के कलाकारों में शामिल हुई, तेलुगु हिंदी में एक साथ शूट किया जा रहा है। अदिवी शेष और अशोभिता दुलीपल्ला मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म शशि किरण टिक्का द्वारा निर्देशित है। साई अगले महीने हैदराबाद में शूटिंग शुरू करेंगी। फिल्म की 50% शूटिंग पूरी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने हैशटैग मेजर फिल्म लगाया है। साई मांजरेकर अभिनेता महेश मांजरेकर की बेटी है। साई मांजरेकर ने 2019 में सलमान खान की दबंग थ्री से बॉलीवुड में एंट्री की थी। फिल्म मेजर का निर्माण सोनी पिक्चर्स इंडिया ने GMB एंटरटेनमेंट और A+S मूवीज के साथ मिलकर कर रहा है। फिल्म मेजर में तेलुगु अभिनेता अदिवी शेष मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिल्म मेजर NSG कमांडो संदीप उन्नी कृष्णर के जीवन से प्रेरित होगी, जिन्होंने मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवा दी थी। संदीप उन्नी कृष्णर 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप टीम के कमांडर थे। मेजर संदीप ने ताज होटल में बंधक बने लोगों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस ऑपरेशन के दौरान मेजर संदीप शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारत सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित भी किया था। मेरे दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड मेजर मूवी देखने के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।